खंडवा सहित पूरे प्रदेश की प्रसिद्ध कंस्ट्रक्शन कंपनी गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह सरकारी टेंडर एवं प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बिल्डिंग होम एवं कमर्शियल के निर्माण कार्य हेतु संपर्क करें गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन सीएसपी ऑफिस के सामने बड़ा बम चौराहा खंडवा मोबाइल नंबर 8435216707। दोस्तों, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छेगांव माखन थाना क्षेत्र का ये नज़ारा है, जहां आज बड़ी संख्या में जय बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा छेगांव माखन तहसील कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि छेगांव माखन में कल सीएम राइस स्कूल में एक शिक्षिका के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों पर भगवा कलर का कवर लगा था, जिसे स्कूल की शिक्षिका के द्वारा बच्चों से बोलकर हटवा दिया गया है, जिसको लेकर हिंदू समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे धर्म विरोधी कार्य करने वाली शिक्षिका को तुरंत हटाया जाए। इसी मांग को लेकर इन लोगों ने आज जय बजरंग सेना के नेतृत्व में तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि स्कूल की शिक्षिका पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इसी को लेकर जय बजरंग सेना के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जय बजरंग सेना के नेतृत्व में कुछ ग्रामीणों द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। इनकी मांग है कि स्कूल की शिक्षिका पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसे तुरंत स्कूल से हटाया जाए। एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षिका को बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके के ज्ञान देना चाहिए, आप वहाँ पर एक गलत तरीके से ज्ञान दे रहे हो, गलत भावना है, रखी है आपने, उस चीज को लेके हमने आपको एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि उस शिक्षिका पर जो खान मैडम है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर निलंबित करने की कृपा करें। छेगांव माखन सीएम राइज स्कूल में एक शिक्षिका खान मैडम है, जिनके द्वारा बालकों को और बालिकाओं को भगवे कलर का कवर हटाने के लिए मना किया गया और साथ में उनको डांटा भी गया कि ये कलर का भगवा कलर का जो कवर लगाया आपने, इसको हटा दिया जाए और हरे नीले पीले कलर के ये कवर लगाए, जो कि ये गलत है सरासर। आप एक शिक्षा के मंदिर में बैठे हो, आपको बालकों और बालिकाओं को एक अच्छा प्रशिक्षण देना चाहिए, अच्छी सोच देना चाहिए, ताकि उनका भविष्य आगे चल के उज्ज्वल हो, और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो स्कूल में और बच्चों को शिक्षित यानी दे रहे हो शिक्षा कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से आपको कार्य करना, जो कि एक तो बहुत गलत तरीके से आप शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, और ये सांप्रदायिकता को लेकर आप उकसा रहे हो, जो कि ये गलत है। और हमने आज तहसीलदार महोदय से बात की है और उनके नॉलेज में डाला और ज्ञापन भी सौंपा गया है कि ऐसे शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। ये निवासी का तो नहीं पता, लेकिन ये सीएम राइज स्कूल में शिक्षिका है, अतिथि खान मैडम है। इसके पहले भी पूर्व में छोटी छोटी घटनाएं उस स्कूल में होती है, किंतु अभी तक का उस घटनाओं को लेके कभी सामने कोई नहीं आया, लेकिन ये जो घटना हुई है ये बड़े स्तर पे हुई है। बच्चों को डराया और चमकाया गया है, तब जाके बच्चों ने पालकों को बुलाया, तब जाके हमारे पास कॉल आया था पालकों का, उसको लेके जय बजरंग सेना के नगर अध्यक्ष मैं मनीष परदेसी, जिला अध्यक्ष कौशल जी व्यास, जिला सचिव प्रमोद मौर्य और संगठन युवा वाहिनी के नगर महामंत्री भूपेन खले जी, छेगांव मंडल अध्यक्ष विशाल सूर्यवंशी, छेगांव मंडल अध्यक्ष नीतिराज जी चौहान एवं सभी जय बजरंग सेना के नगर अध्यक्ष सदस्य वहां पर पहुंचे हैं।